Today we shall start the topic probability. Probability. Probability समझने के लिए इसके क्वेश्चंस करने के से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है. नंबर वन, दिस इज एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑपरेशन. कोई भी ऑपरेशन करते हैं हम. ये टू टाइप्स के होते हैं, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द एक्सपेरिमेंट विच हैव ओनली वन पॉसिबल आउटकम. मीन्स आपने, मान लीजिए आपने एच हाइट से एक पत्थर को नीचे ड्रॉप किया है. एच हाइट से यहां पर इसकी वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के इक्वल होगी. अब इस स्टोन को कितनी भी बार ड्रॉप करेंगे, यू विल गेट द सेम वेलोसिटी आउट हियर. दिस इज साइंटिफिक लॉज जो है, सारे के सारे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हैं. इनसे रिजल्ट सेम कंडीशन के अंदर, सेम सर्टेन जो कंडीशंस आपको दे रखे हैं, उन कंडीशंस में, उन सेम कंडीशन के अंदर रिजल्ट जो आएगा, आउटकम जो आएगी, वो क्या होगी आपकी, सेम. जैसे द एक्सपेरिमेंट विच हैव ओनली वन पॉसिबल आउटकम और विच रिजल्ट्स इन ए सर्टेन और ए यूनिक आउटकम हो या सर्टेन आउटकम हो, आर कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक और प्रिडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट. मीन्स आपको हाइट का पता है तो आप यहां से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी से ये स्टोन जो है अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करेगा. तो दीज आर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बट देर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स इन विच वी कैनॉट प्रिडिक्ट द रिजल्ट. वी कैन से द व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स, बट एक्चुअल आउटकम उस केस में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. एंड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं. एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical conditions does not produce same outcome every time. हर बार ये सेम आउटकम नहीं देता है. लाइक आपने कॉइल को टॉस किया, एक सर्टेन फोर्स से इसको आपने उछाला, जमीन पे गिरेगा, हेड आएगा या टेल आएगा, आप ये तो जानते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. बट एग्जैक्टली यू कैनॉट प्रिडिक्ट कि हेड आएगा या टेल आएगा. यूनिक उसकी आउटकम आप नहीं बता सकते हैं. मींस वी कैनॉट इंश्योर ए सर्टेन रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस. हियर वी नो द पॉसिबल आउटकम्स, हमें पॉसिबल आउटकम्स का पता होता है, बट वी कैनॉट प्रिडिक्ट द एक्चुअल आउटकम का, हम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा. इसी तरह से डाई को रोल किया, उसके टॉप सरफेस के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर लिख देते हैं उनके फेसेस के ऊपर, टॉप फेस पे क्या आएगा, हम एग्जैक्टली ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. बट ये बता सकते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक कोई नंबर आएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक ही उसके फेसेस के ऊपर नंबर्स लिखे हुए. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें पॉसिबल आउटकम्स के बारे में तो आप जानते हैं, बट यू कैनॉट प्रिडिक्ट कि व्हाट विल बी द एक्चुअल आउटकम, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं. एंड जहां पर पॉसिबल आउटकम्स हैं आपकी, अगर इनका एक सेट बना दें, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज नोन एज सैंपल स्पेस. इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं. लाइक व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड When a coin is tossed, sample space, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सैंपल स्पेस क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. हेड और टेल पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनका सेट बना देते हैं. सेट को
सेट में क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करते हैं और इसके एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स आपकी क्या है, या तो हेड है या टेल है, और इनका सेट बना दिया आपने, एंड दिस इज नॉन एज सैंपल स्पेस। व्हेन ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया तो उसके सिक्स फेसेस होते हैं, और सिक्स फेसेस के ऊपर 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, तो पॉसिबल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस इज सैंपल स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड, व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड, जब दो कॉइन को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस इसका क्या हो सकता है, दिस इज सैंपल स्पेस, दोनों के ऊपर एच एच आ जाए, एच टी आ जाए, या पहले पे टी टेल आ जाए, दूसरे पे हेड, या दोनों के ऊपर टेल आ जाए, दिस इज द पॉसिबल आउटकम, दिस इज द सैंपल स्पेस। तो इसमें एक पॉइंट टॉस करते हैं, उसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टू है, एंड व्हेन टू पॉइंट्स आर टॉस्ड देन पॉसिबल आउटकम्स कितना आता, 2 raised to power। सिमिलरली व्हेन टू डाइस आर टॉस्ड, जब दो डाइस को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे आपके, 6 raised to power 2, क्योंकि एक डाई में 6 होते हैं, तो दो डाई को टॉस किया है तो 6 raised to power 2 मींस 36 एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में। ये जो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स का सेट है जो कॉमा से सेपरेट कर रखा है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं इस सेट के। एंड व्हेन वन डाई इज टॉस्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दिस इज 6, एंड व्हेन टू डाइस आर टॉस्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 36। व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2। एंड व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 2 raised to power 2, दिस इज इक्वल टू 4। आगे देखिए, व्हेन अ डाई इज रोल्ड देन सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होता है पॉसिबल आउटकम्स डाई के सर्फेसिस के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, जब उसको थ्रो करेंगे आप, टॉस करेंगे, तो उसके टॉप मोस्ट फेस के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6 सबके इक्वल आने के चांसेस हैं। तो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स, और इनको कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करके, कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर दें, तो एक सेट बन जाता है। सेट क्या होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जो नंबर किस पे होंगे, डाई के ऊपर लिखे हुए होंगे, वही नंबर यहां लिखे जाए, मीन्स इट इज ए सेट। एंड अगर आपके पास दो सेट है, जैसे ए इज इक्वल ए सेट है, दिस इज 1, 2, 3, एंड बी सेट है आपके पास, दिस इज 2, 4 और 9, ये सेट है आपके, इसे अलग लिया, इसे कोई कंसर्न नहीं है, अलग लेके चले। अगर यहां पर ए यूनियन बी निकालते हैं, यूनियन का मतलब होता है ओ, मींस या तो वो एलिमेंट इसमें होना चाहिए या वो एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ए यूनियन बी का मतलब हो गया दिस इज 1, क्योंकि ए से बिलोंग कर रहा है। ए यूनियन बी का मतलब कौन से एलिमेंट लिखेंगे, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, दोनों में हो तो भी दो बार रिपीट नहीं किए जाएंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे। ए दिस इज 1, 2 भी लिख दिया, 3 एंड 2 इसमें ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 एंड दिस इज 9, दिस इज ए यूनियन बी, मींस
दोनों के एलिमेंट लिखने हैं बट एक एक बार लिखने हैं, या ये कहते हैं कि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, या तो वो ए में है या बी में है या दोनों में है या दोनों में, बट उसको रिपीट नहीं करेंगे आप, एक ही बार लिखेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, दिस इज कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन तो टू अकेला है, दिस इज पर टू टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं इसको सेट को, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, टू आ गया। अगर मान लीजिए कोई सी सेट ले लिया, सी इज इक्वल टू क्या है, 9, 10 और 11 है। अब यहां पर ए और सी का इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन सी, इनमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहां पर क्या देंगे इसको, या तो ब्लैंक ब्रैकेट लिख दो या इसको फाई लिखते हैं। फाई मीन्स उनमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज फाई। तो ए इंटरसेक्शन सी यहां क्या है, दिस इज फाई। तो ये चीज क्लियर हो गई, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, एंड यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के एलिमेंट्स या तो ए से बिलोंग कर रहे हो या बी से बिलोंग करते हैं या दोनों से बिलोंग करते हैं, बट उनको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए सैंपल स्पेस, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर है ये बात। इसके बाद है इवेंट, एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। कोई भी, जैसे देखिए यहां पर ए इज इक्वल टू 1, 2 एलिमेंट्स है, बी है इसके 1, 2, 3 एलिमेंट्स। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसको कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, मींस सबसेट जिसका सबसेट है उस सेट में जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, ए सबसेट ऑफ बी, इट मींस ए के सारे एलिमेंट्स किस में है, बी में है। तो इसका कोई भी सबसेट बनाएंगे, मींस एलिमेंट्स इसी में से चूज किए जाएंगे, इसका कोई भी सबसेट है वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। जैसे देखिए इवन द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कहां से सिलेक्ट करेंगे, सैंपल स्पेस से। इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर व्हेन इट डाइज टॉस, देन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या हो सकता है, दिस इज 1, 3 और 5, ये सेट्स हो, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या है आपका, सैंपल स्पेस का सबसेट है। सैंपल स्पेस का क्या है, सबसेट। इसी तरह से इवेंट ऑफ गेटिंग, दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 4, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, इवन नंबर ले लिया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सॉरी इवेंट क्या होगी, दिस इज 2 आ सकता है, 4 और 6, 2, 4 और 6। E3 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इस सेट में देखेंगे, क्योंकि वो सारे प्राइम नंबर सिलेक्ट करेंगे जो इसमें हैं, क्योंकि ये इवेंट है तो सैंपल स्पेस का सबसेट है। तो क्या आ जाएंगे, गेटिंग प्राइम नंबर्स, दिस इज 2, 3 एंड 5। इसी तरह से इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, एक नंबर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 क्या आ गया, दिस इज 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को हम क्या कहते हैं, इवेंट। इवेंट ऐसे डिफाइन करते हैं, इवन इवेंट है, जैसे इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो सारे ऑड नंबर ले लेंगे जो इस सैंपल स्पेस में है, एंड E2 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सारे इवन नंबर ले लेंगे जो किसमें है, आपके सैंपल स्पेस में। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती है,
अगर दो इवेंट्स हैं, इफ टू इवेंट्स इवन एंड इवन आर सच दैट इवन इंटरसेक्शन ई टू, इंटरसेक्शन का मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, ये अगर फाइव मींस इवन और ई टू में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो क्या होंगे आपकी, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए जैसे यहां पर इवन और ई टू ये सेट ऑफ और नंबर है, ये सेट ऑफ इवन नंबर है, तो यहां पर क्या है इवन एंड ई टू, इवन एंड ई टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ई टू एंड ई थ्री देखो, ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री, ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री, देखो इसमें ई टू ये है, ई थ्री ये है, बट इनमें कॉमन एलिमेंट एक है, दिस इज टू, सो दीज आर नॉट म्यूचुअली, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे दो इवेंट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है उनको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इवेंट्स। देखिए अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं इवन और ई टू, इवन इज इक्वल टू क्या है, इवन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड ई टू इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स एंड सैंपल स्पेस यही ले लिया, दिस इज सैंपल स्पेस, तो दोनों ये इवेंट है क्योंकि सैंपल स्पेस की सबसेट है, सारे एलिमेंट्स इनके सैंपल स्पेस में है, लेकिन इवन ई टू, इवन इंटरसेक्शन ई टू, दिस इज फाइव, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बट इवन यूनियन ई टू लिखते हैं, यूनियन का मतलब होता है उन सभी एलिमेंट का सेट जो या तो इवन में है या ई टू में है या दोनों में, लेकिन उनको एक एक बार लिखेंगे, तो देखिए दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इवन यूनियन ई टू, एंड ये सारा किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस के हो गया। तो ऐसी इवेंट्स जिनमें इवन इंटरसेक्शन ई टू तो फाइव हो एंड इवन यूनियन ई टू किसके इक्वल हो, सैंपल स्पेस के इक्वल हो, ऐसी इवेंट्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसी इवेंट्स को क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट है आपकी जैसे इवन इज व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, व्हेन अ डाई इज टॉस्ड देन इवन इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू ए
नंबर की बजाय यहां पर नेचुरल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू सिक्स। अगर डाइकोटोस किया तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर क्या है, एक आए या एक से बड़ा और वो नेचुरल नंबर हो और सिक्स से छोटा या सिक्स के इक्वल हो, तो इसमें तो ये सारे के सारे ही इंक्लूड हो गए। तो इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, कौन से हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसका मतलब इवन एक नंबर तो टॉस करेंगे तो कॉइन डाई के टॉप सरफेस पे कम से कम एक नंबर तो आएगा ही। ऐसी इवेंट्स को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स यानी कि एन इवेंट विच विल हैपन डेफिनेटली या द प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू वन होती है, मतलब दैट विल डेफिनेटली हैपन। इसी तरह से जैसे नाम से ही पता लग गया श्योर इवेंट्स जो जरूर हैपन होंगे। सेकंड है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एन इवेंट विच विल नॉट हैपन, विच विल नॉट हैपन। ऐसी इवेंट जो हैपन ही नहीं होगी उस एक्सपेरिमेंट में उसको क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे इवन इज द इवेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग सेवन इन ए टॉस ऑफ ए डाई। एक डाई को टॉस किया तो सेवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आएगा ही नहीं सेवन। दिस इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट दैट विच विल हैपन डेफिनेटली उसको श्योर इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद ये है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट द आउटकम्स विच मेक नेसेसरी द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन ए ट्रायल। ट्रायल मीन्स एक एक्सपेरिमेंट, एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको ट्रायल कहते हैं। आर कॉल्ड फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स लाइक सैंपल स्पेस में डाई टॉस किया आपने 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एंड ए इज द इवेंट है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब देखिए इस इवेंट को फेवर करने वाली, इस इवेंट को हैपन करने के लिए फेवर करने वाली इवेंट कौन सी है, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर इसमें कौन सा है, टू है, फोर है और सिक्स। These are the favorable events. इसी तरह से तो favorable event के बाद the outcomes which make necessary the happening of an event in a trial is called favorable event. And when two dice are tossed, तो sample space क्या बनेगा, first पे one आ गया, second पे one, first पे one, second पे two, first पे one, second पे six। इस तरह से total number of sample space के अंदर आपके element 36 आ जाएगी, 6 raised to 2 आ जाएगी। लेकिन ये कहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स गेटिंग ए सम 8, दोनों का सम 8 हो, ऐसी फेवरेबल इवेंट्स कौन सी होंगी, क्या आ जाए आपके पास 2, 6 आ जाए या 6, 2 आ जाए
ऐसी इवेंट्स, दिस इज वन टू एंड थ्री फाइव आ जाए या फाइव थ्री आ जाए, ये सारी की सारी इसमें प्रेजेंट है। एंड फाइव थ्री फोर फोर ये क्या बनाएगी, टोटल सम दोनों नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, एक। तो दीज आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग, टोटल सम कितना आ जाएगा, एक। तो इस इवेंट को फेवर करने वाली जो भी आपके एलिमेंट होंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके फेवरेबल इवेंट कहलाएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे, फेवरेबल इवेंट्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी, अब डिफाइन करते हैं फेवरेबल केसेस का, पता है मींस कोई भी चीज हैपन करने के लिए, उसको फेवर करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसको क्या कहेंगे हम, फेवरेबल इवेंट्स कहेंगे। तो देखिए अगर इफ टोटल नंबर इन ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में टोटल नंबर, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू एन ले, एंड ए इज द इवेंट, ए कोई भी इवेंट ले, एंड फेवरेबल केसेस क्या ले लिया आपने, एम ले, किसी भी इवेंट के हैपन होने को फेवर करने वाले जो केसेस हैं वो क्या ले लिए, एम ले। तो M क्या होगा, अगर श्योर इवेंट है तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, कि वो तो जरूर होगा। अगर इवेंट आपके पास ये हो कि डाइटोस की 1 से लेकर के 6 तक नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, तो सारे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई अनसर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट नहीं है, मींस जिसकी हमें ये नहीं पता कि ये हैपन होगी कि नहीं होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू n है। जैसे a कोई अदर इवेंट ले ली, a इज द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, दिस इज 2, 3 and 5 एंड दिस नंबर इज लेस देन टोटल सैंपल स्पेस में 6 है, इससे कम है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में n है, n m फेवरेबल केस है, m is less than equal to n आ गया, and m या तो ये केस होंगे या नहीं होंगे, this is greater than equal to 0 आ गया। अब हम probability निकालते हैं, probability of an event, probability of an event, event A, this is PA, इसको किसके को लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस के टोटल जो एलिमेंट्स हैं उनसे डिवाइड कर दे किसको, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को, तो हमारे पास उस इवेंट की क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया है हमने, एम लिया, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या लिया है हमने, एम लिया, एंड एम इज लेस देन इक्वल टू एन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ अगर हम एन से डिवाइड कर दें इनइक्वालिटी का क्रॉस, तो क्या आ जाएगा, एन अपॉन 0 अपॉन एन, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एम अपॉन एन लेस देन इक्वल टू 1। एंड ये क्या है, दीज आर फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी, या तो मैक्सिमम होगी तो 1 होगी, और मिनिमम होगी तो कितनी होगी, 0। प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, दिस इज नॉट नेगेटिव, एंड ग्रेटर देन 1 भी कभी नहीं होती है, न तो 0 से छोटी होगी, न क्या होगी आपकी, 1 से बड़ी होगी।
अब देखिए इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं हम n लेते हैं, a इज द इवेंट, a कोई भी इवेंट है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालें, फेवरेबल केसेस फेवरेबल केसेस फॉर हैपनिंग ऑफ a इज इक्वल टू m लिख, तो नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स which do not favor the event को favor नहीं कर रहे, total number of cases n है जो इसको favor नहीं करेंगे, क्या आ गए n minus m आ गए, तो एक term है odd in favor of an event. This is equal to number of favorable cases upon number of cases which do not favor the event. Event को favor नहीं कर, मीन्स क्या आ गया आपके पास, दिस इज m अपॉन n माइनस m आ गया, n माइनस m, टोटल केस m फेवरेबल है, नॉट फेवरेबल कितने हो गए, n माइनस m. अब देखिए odd against an event, ये होता है आपका, दिस इज नंबर ऑफ केसेस विच डू नॉट फेवर द इवेंट को फेवर नहीं कर, अपॉन फेवरेबल केसेस जो केसेस फेवर करें, मीन्स क्या आ गया, दिस इज ऑड अगेंस्ट n माइनस m, ये केस फेवर नहीं कर रही, एंड अपॉन m अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ऑड अगेंस्ट मीन्स किसका हो गया, ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के फेवर में है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ऑड अगेंस्ट द इवेंट. अब देखिए अगर आपको ऑड इन फेवर दे रखा है, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, दिस इज क्या दे रखा है, मतलब एक रेशियो होता है, क्या आपके पास m अपॉन n माइनस m, तो यहां से क्या निकालेंगे, ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, तो यहां से क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल टू m, एंड नंबर ऑफ केसेस विच डू नॉट फेवर द इवेंट दिस इज इक्वल टू n माइनस m, तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे दोनों का ऐड कर दो, प्लस n माइनस m इज इक्वल टू n, तो अगर आपको क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी और ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट दे रखा है,
और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, दिस इज एम, ऊपर वाला ये रहेगा अपॉन एम प्लस एम माइनस, सॉरी एन माइनस एम, एन माइनस एम, क्योंकि ये क्या देगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, मींस ऑड इन फेवर है आपके पास, इफ ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 2/3 है। तो देखिए यहां पर फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस कितने हैं, 2, एंड ऑड इन फेवर क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन केसेस विच आर नॉट फेवरेबल केस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे, दिस इज 2, प्रोबेबिलिटी निकालने इस इवेंट की, फेवरेबल केस 2 अपॉन टोटल केस 2+3 दिस इज 5, तो इफ ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू ए अपॉन बी ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, दिस इज ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। अगर आपको दे रखा है ओड अगेंस्ट, ओड अगेंस्ट एन इवेंट जो इसका रेसिप्रोकल होता है, और इफ ओड अगेंस्ट एन इवेंट ये दे रखा आपको ए अपॉन बी, मीन्स दीज आर नॉट फेवरेबल केस एंड दीज आर फेवरेबल केसेस, बता दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ले लो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस इज बी अपॉन ए प्लस बी, बिकॉज दीज आर फेवरेबल केसेस, दीज आर फेवरेबल एंड दीज आर नॉट फेवरेबल, दीज केसेस आर नॉट फेवरेबल, तो आपको ऑड अगेंस्ट और इन फेवर दिया हो तो उससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी दी हो तो ऑड इन फेवर निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए पी ए दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 5/7 दे रखा है, एंड ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट एन इवेंट ए, ऑड अगेंस्ट में क्या होता, ऊपर नॉट फेवरेबल केस, यहां है प्रोबेबिलिटी है तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो नॉट फेवरेबल केस कितने आ जाएंगे, 7-5, एंड अपॉन क्या आ जाएगा आपका नॉट फेवरेबल केस, फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 2/5, एंड ऑड इन फेवर निकालना हो, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर ऑफ ए, ऑड इन फेवर में क्या होता है फेवरेबल केस, दिस इज 5 अपॉन नॉट फेवरेबल केस, टोटल केस 7 है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में नीचे 7 टोटल केसेस आते हैं, तो क्या आ गया 7/5, दिस इज इक्वल टू 5/2, दिस इज 5/2, तो ऐसे कर सकते हैं इनको।